भूपेंद्र भी हमारे साथ बने हैं। भूपेंद्र, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि जयराम रमेश ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने सीधा सीधा निशाना साधा है आम आदमी पार्टी और AIMIM पर, कि इन दोनों का घोषित गठबंधन था जिसकी वजह से कांग्रेस हारी है। क्या सिर्फ यही वजह माने कि आम आदमी पार्टी और AIMIM की वजह से कांग्रेस वहां पर हारी है, या फिर कांग्रेस की अपनी रणनीतियों ने उसे ले डुबाए गुजरात में? देखिए, जैसा कि राजीव जी ने बताया, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं चुनाव में। जाहिर सी बात है, कांग्रेस ने जिस तरह से चुनाव लड़ा, बल्कि ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने इस बार चुनाव लड़ा ही नहीं, क्योंकि ना उनका कोई कैंपेन हुआ, ना उनके कोई बड़े नेता मैदान में उतरे, ना बड़ी जनसभाएँ हुई, ना रैली हुई। चुनाव लड़ने के लिए जो तमाम चीज़ें की जाती है, जो तमाम रणनीतियाँ अपनाई जाती है, दाव पेज अपनाए जाते हैं, जिस तरह का माहौल होता है, ऐसा कुछ भी पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस में नहीं देखने को मिला। तो ये तो सबसे पहला जो दोषी है वो खुद कांग्रेस ही अपने आप को उसे मानना चाहिए, क्योंकि दूसरी पार्टियां तो मैदान में उतरेंगी ही, क्योंकि वो भी चुनाव लड़ने के लिए, वो भी राजनीतिक दल हैं, चुनाव लड़ेंगी ही। ये अलग बात है कि कौन कितनी ताकत के साथ चुनाव लड़ता है। आम आदमी पार्टी को वो बता रहे हैं वोट कटुआ पार्टी, AIMIM के साथ उनका गठबंधन और तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेस यहाँ पर हारी है। लेकिन कई जगहों पर मैं बता दूँ कि कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई है, तो क्या ये स्थिति इन पार्टियों ने पैदा कर दी है? जो इतनी पुरानी पार्टी है, 77 सीटें पिछली बार लेकर आई थी, वहाँ पर अगर आपकी डिपॉजिट जब्त हो जाती है ऐसे गुजरात प्रदेश में जहाँ आप 30 साल राज कर चुके हैं, तो क्या उसके लिए दूसरी पार्टियाँ जिम्मेदार हैं? ये कांग्रेस को सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरह से चुनाव मैदान में उतरते हो, और इस बार ऐसा दिखाई दे रहा था कि जैसे कांग्रेस ने पहले ही हथियार डाल दिए, एक साइलेंट कैंपेन की बात हो रही थी कि चलो कहीं ना कहीं हो सकता है किसी एक रणनीति के तहत कांग्रेस, जो क्योंकि ये विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि इतनी मजबूत पार्टी, इतने मजबूती से विपक्ष में खड़ी हुई पार्टी जो है वो ऐसे हथियार डाल देगी या कुछ नहीं कर रही होगी, क्योंकि चुनाव है, गुजरात का चुनाव है, और ऐसे में जरूर उनका अपना कोई ना कोई रणनीति चल रही होगी। एक साइलेंट कैंपेन के जरिए जो बात की जा रही थी, खटिया बैठक की बात की जा रही थी, उसके जरिए अपना कम से कम जो सीटें हैं उसको बचाने की कोशिश कांग्रेस जरूर कर रही होगी, ये एक माना जा रहा था, ऐसी एक धारणा बनी हुई थी। लेकिन वो भी गलत साबित हुई, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर देखा गया, आप पार्टी ने जितना जुझारू प्रचार किया है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, भगवत मान, राघव चड्ढा, तमाम लोग यहां पर डेरा डाले बैठे हुए, तो ये उनकी अपनी मेहनत थी। भूपेंद्र अपनी सीटें लाने के लिए अपने चर्चा को हम रोक रहे हैं, थोड़ा सा हम चर्चा को रोक रहे हैं, उससे पहले अपने दर्शकों की तस्वीरें दिखा दें। नागपुर मेट्रो की तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। ये नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।